इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 35 साल तक एक इमरजेंसी और एक्सीडेंट डॉक्टर के तौर पर काम किया है और उन्होंने 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत को अपनी आंखों से देखा है। इनका नाम है डॉक्टर थॉमस फ्लैशमैन। डॉक्टर थॉमस ने अपने एक्सपीरियंस और विश्लेषण के माध्यम से मौत के 5 चरण बताए हैं। पहले चरण के मुताबिक इंसान का सारा दर्द, चिंताएं और डर खत्म हो जाता है। उसे कोई भी शोर सुनाई नहीं देता और वो पूरी तरह शांति महसूस करने लगता है। दूसरे चरण में डॉक्टर थॉमस बताते हैं कि लोगों को अलग ही अनुभव होता है। कुछ लोगों को हवा में उड़ने जैसी अनुभूति होती है तो कुछ लोगों को लगता है कि उनका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। तीसरा चरण इंसान को राहत देने वाला होता है। डॉक्टर थॉमस ने जिनसे बात की थी उनमें से 98% लोगों का कहना था कि उन्हें आराम मिल रहा था, लेकिन 2% लोग ऐसे भी थे जिन्हें भयानक आवाजें, गंध और खौफनाक जीव ही दिखाई दे रहे थे। चौथे चरण में मरने वाला शख्स तेज रोशनी देखता है और ये बहुत ही गर्म और अपनी तरफ खींचने वाली रोशनी होती है जो कि धीरे धीरे अंधेरे में तब्दील होती रहती है। पांचवें और आखिरी चरण में आप इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। 10% लोग जो मृत्यु के बाद वापस आए उनका कहना है कि वो खूबसूरत दुनिया को देख रहे थे।